T20 वर्ल्ड कप 2024, सीधे मुद्दे पे बात करेंगे ट्यूटोरियल के बारे में कि कौन सी टीम को कहां से प्लस करना है, कौन सी टीम को खा के आना है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप में आपको 90% मैचेस में ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको खाने का रेट है और खाने वाले पंटर यहां खा खा के बर्बाद हो जाएंगे। 10-12 पैसे मिलेगा ओपन फेवरेट, वहां से आप खाइएगा। तो ये वर्ल्ड कप नहीं है खाने के लिए, ये वर्ल्ड कप है लगाने के लिए, लगाने वाले पंटरों के लिए जन्नत है। तो कौन से मैच में किस टीम को कहां पे प्लस करना है खाके और किस टीम को कहां से आपको एंट्री लेनी है लगा के, वो पूरा बात करेंगे डिटेल में। और 100% जो मार्केट सेटिंग होने वाला है वो होने वाला है सेशंस का। सेशन हर मैच में चलेगा, तो ध्यान से खेलना है, सेशंस कैसे खेलना है वो बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, अब यहाँ पे माइंडसेट चेंज करके आइए। आईपीएल में आपने खेला सेशन और आपने हाउस को बर्बाद करके रख दिया यस करके, अब यहाँ पे वैसा सेशन चलने वाला नहीं है। पहले तो जान लीजिए कि ये वेस्ट इंडीज और यूएसए में मैच, और वेस्ट इंडीज यूएसए में होता है स्लो सर्फेस, स्लगिश सर्फेस। 2023 से पहले का सीपीएल तो यहाँ पे 90 और 100 का भी स्कोर लगना मुश्किल था, वो भी डिफेंड होता था। तो ये माइंडसेट आपको चेंज करके आना होगा। अब चलिए बात करेंगे इन शॉर्ट पूरे वीडियो में कि आपको कहाँ पे किस मैच में एंट्री लेनी है लगाने की और किस मैच में लेनी है खाने की। खाइएगा हर मैच में, बर्बाद होके चले जाइएगा। आप इसमें अगर बोला जाए T20 वर्ल्ड कप, तो इस बार अगर पंटर ध्यान से नहीं खेला तो हाउस जितना बर्बाद हुआ है IPL 2024 में वो सारा रिकवर कर लेगा आपसे। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ पूरा आप उसी को फॉलो करिए, कभी लॉस में नहीं जाइएगा, फाड़ के रख दीजिएगा हाउस की। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो जान लीजिए कि IPL में जो हमने काम दिया है शायद ही कोई दिया होगा। 90% से प्लस की एक्यूरेसी मेंटेन करना पूरे IPL में, 74 मैच हुए उसमें से 65 मैच कम से कम पास करवा के दिया है मेरे भाई। तो ये है काम का लेवल, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले तो मोबाइल नंबर सेव करिए 7428525767, 7428525767। अगर आप लॉस में हैं, रिकवर करना चाहते हैं मैच और सेशन में, आप यहाँ पे बिंदास जुड़िए। लॉस क्या, आपको प्रॉफिट में ला के देना हमारा काम है। जैसे IPL में अगर जो पंडर जुड़ा है उसको कभी लॉस ही में नहीं गया, हमेशा प्रॉफिट में रहा है। और इसको स्कैन करिए, सबसे पहले तो बढ़िया से स्कैन कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल का। ये भी नहीं तो हर वीडियो के नीचे आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख जाएगा, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक करिएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक है। फायदा उठाइए मैच और डेमो का, हर मैच में सेशन और यहाँ पर रिपोर्ट आने वाला है कौन सी टीम जीतेगी, तो जाके ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को। बाकी चलिए सबसे पहले अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये जान लीजिए कि इस साल मार्केट ने फेवरेट किसको रखा है, और मार्केट ने इस साल फेवरेट रखा है इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने के लिए। रेट क्या है, 250 बैक का और 280 ले का। सेकेंड फेवरेट जो फॉलो कर रही है वो है ऑस्ट्रेलिया 380 और 420 के रेट पे। अब जब भी कोई भी टीम को मार्केट फेवरेट रखती है, अगर वर्ल्ड IPL का बात किया जाए तो IPL में मुंबई इंडियंस फेवरेट थी, क्या फिनिश की, बॉटम ऑफ द टेबल पे एक तरह से, और जीती कौन के किया, जो सेवेंथ फेवरेट थी मार्केट के हिसाब से। तो इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि 2019 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड जीती उसके अलावा वही एक फेवरेट खुली थी मार्केट के हिसाब से, उसके अलावा कोई भी कभी भी जो मार्केट सोचा है कि फेवरेट होगी ये टीम जीतने नहीं जीती है। तो हो सकता है इंडिया भी इस साल नहीं जीतेगी, ठीक है। दूसरा, कौन सी टीम जीतेगी वो एक सेपरेट वीडियो आएगा कप विनर का, उसमें मैं बात करूंगा। दूसरा देखिए, इंडिया वर्सेस कनाडा, ये ग्रुप ए के जितने भी मैचेस है, इंडिया है, पाकिस्तान है, कनाडा, यूएसए और आयरलैंड है, तो इंडिया और पाकिस्तान को आप सेपरेट मान के चलिए, वो दोनों का अलग स्ट्रेंथ है। बाकी इंडिया का मैच कनाडा, यूएसए, आयरलैंड से हो या पाकिस्तान का मैच कनाडा और यूएसए से हो, ठीक है, तो 10-12 पैसा फेवरेट खुलेगी उस पर भी आपको लगा के प्लस करना है। ध्यान रखिएगा खाइएगा नहीं, याद रखिए। दूसरा, पाकिस्तान अगर आउट ऑफ फॉर्म है और जिस लेवल का मैच खेल के आ रहा है, आपने देखा इंग्लैंड के विरुद्ध कितना मतलब डिवास्टेटेड परफॉर्मेंस है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होने वाली कि पाकिस्तान का मैच अगर आयरलैंड से हो, और ये सबसे लास्ट मैच है ग्रुप ए का, याद रखिएगा। कनाडा यूएसए से तो अच्छे से जीत जाएगी, लेकिन अगर आयरलैंड से मैच होगा तो अगर परफॉर्मेंस पाकिस्तान का डामाडोर है, परफॉर्मेंस नहीं निकल रहा है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर उल्टा सीधा किसी को खिलाया हुआ है और इनफॉर्म भी नहीं दिख रहा, तो आप वहाँ पे खा के आ सकते हैं 30-32 पैसा फेवरेट पे पाकिस्तान को, और आयरलैंड प्लस कर सकते हैं 90 पैसा पे आप बुक बना सकते हैं, याद रखिएगा। ग्रुप बी का बात करें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अनटचेबल रहने वाला है, और इस ग्रुप में कोई टक्कर भी नहीं दे सकता इन दोनों को, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान है। तो इनका मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का इन तीनों से अगर जब भी हो तो जो ओपन सेशन है यस करना, चाहे कितना ही मोटा दिख रहा हो। ऐसा थोड़ी है कि 200 प्लस नहीं लगेगा इन सब टीम के विरुद्ध और इतने बड़े टीम के खिलाफ, इनके इतने बड़े टीम से, तो एकदम जितना सेशन नीचे भी जाए, विकेट गिर जाए, तब भी सेशन यस करके चलना है मैक्सिमम टाइम, याद रखिएगा। और नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान, इन सब में, इन तीनों के बीच में जो मैच होगा वो पूरा घोड़ा वाला मैच होगा, तो जो फेवरेट खुले उसको खा के आ सकते हैं और 90 पैसा में बुक बना सकते हैं। अब देखिए, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनिया, कनाडा, यूएसए, बहुत सारे पब्लिक को आइडिया ही नहीं किस तरह की टीम है, तो इस तरह की टीम का अपने में जब भी मैचेज हो
तो आपको यहाँ पे जो सेशन है, सेशन यस और नॉट वाला होगा। अब एक तरफा सेशन नहीं खेलेगा, पंटर को सबसे बड़ा बीमारी होता है कि सारा सेशन यस करना, सारा सेशन नॉट करना। इन सबके मैचेस में हमेशा सेशन ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और फ्लक्चुएटिंग सेशन रहेगा। ध्यान रखिएगा यस नॉट वाला सेशन होगा, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है कि मोमेंटम को इतना लंबा कैरी करे, अगर मार रहा तो मारते रहे, विकेट गिर रहा तो गिरते रहे। ध्यान रखिएगा। ग्रुप सी का बात कर लेते हैं। इसमें वेस्ट इंडीज है, न्यूजीलैंड है, सॉरी न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान, और ये तिनकोनिया मुकाबले वाला ग्रुप है, मतलब बहुत रोमांचक ग्रुप है। और ये तीनों ही रेस में रहेंगे क्वालिफिकेशन के लिए, नॉकआउट स्टेज के लिए। टॉप टू टीम ही फिनिश करेगी, जो वो जाएगी नॉकआउट स्टेज में। तो ये मैचेस इसके बहुत अच्छे होंगे। और बाकी युगांडा और पापुना न्यूगिनिया, जो कि नो कंपटीशन है इन तीनों टीम के लिए, पापुना और युगांडा का मैच इन तीन टीम से अगर होगा तो सेशन सारे यस करके आपको चलने और लगा के 10-12 पैसे पे भी प्लस करना है ये तीन टीम को। बाकी ग्रुप डी का बात किया जाए तो सबसे तगड़ा ग्रुप यही होने वाला, सबसे प्रॉफिटेबल ग्रुप है, सारे मैचेस इसके आपको खेलने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें है साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और एक नेपाल है, तो उसको आउट ऑफ कंपटीशन मान के चलिए। लेकिन ये जो चार टीम है, ये चारों टीम अपने में तगड़ी है। साउथ अफ्रीका को ये मत सोचिए कि बहुत जबरदस्त टीम है, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है। नीदरलैंड ने हराया भी है वार्म अप मैचेस में भी श्रीलंका को, बांग्लादेश का ये बुरा हार है, यूएसए से मैचेस हारी है, साउथ अफ्रीका खुद मैचेस अभी हार के आ रही है, वेस्ट इंडीज से व्हाइट वॉश हुआ है। तो इन शॉर्ट जो बड़ी टीम दिख रही है वो बड़ी टीम नहीं है। नीदरलैंड ने ऑलरेडी आपको साउथ अफ्रीका में पिछले साल वर्ल्ड कप 50 ओवर्स में हराया है, और नीदरलैंड बहुत डोमिनेटिंग टीम है। तो इन सब के जो मैचेस होंगे, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, इसमें जो ओपन फेवरेट खुले आपको खा के आना है, आपको 90 पैसा रेट मिलेगा, यहाँ पे बुक बनाना है, ठीक है। देखिए अब हर ग्रुप की दो टीम जो मतलब बड़ी टीम आपको दिख रही है, जैसे ग्रुप ए की इंडिया वर्सेस पाक, अब ENG वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये जो हर ग्रुप की दो टॉप फेवरेट टीम है, उनके जब भी मैचेज हो उनमें आपको 70-72 पैसा फेवरेट खुलते देखने को मिलेगा। तो आपको ये नहीं करना IPL वाला कि 70-72 फेवरेट में सीधे खा लेना है, वो स्ट्रेटेजी यहाँ वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, आपको वेट करना है, जो टीम फेवरेट खुली अगर वो 97 बोथ या अपोनेंट फेवरेट आ जाती है तो उसको आपको पार्ट बाई पार्ट वहाँ पे एंट्री लेनी है। इन शॉर्ट आपको फेवरेट टीम पे रहना है, 80% मैचेस फेवरेट टीम ही जीतते हुए देखने को मिलेगी, स्ट्रेटेजी बदलिए। देखिए अब स्टेडियम का बात कर लेते हैं, तो आर्नस वेल्ले, विवियन रिचर्ड्स और प्रोविडेंस स्टेडियम, ये सारे जो इतने भी स्टेडियम है आपको, ये लो स्कोरिंग है लेकिन चेंजिंग वेन्यू। कैसे? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 150 का एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर है, तो यहाँ पे ये लो स्कोरिंग तो हो गया तो चेंजिंग भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में जब इतना रन लगा तो जैसे तैसे सेकंड, कहने का मतलब कि सेकंड इनिंग होते होते बैटिंग सरफेस बन जाता है, थोड़ा बेटर बैटिंग यहाँ पे हो जाती है। तो फर्स्ट इनिंग का जो सेशन बेसिकली चलता है मार्केट में, सारा सेशन आप यस करिएगा, सारा सेशन यहाँ पे नॉट होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये सब स्टेडियम नॉट वाला सेशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 180 का टारगेट बट ऑब्वियस यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है, तो मैच में एंट्री लेने से पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको मिल जाएगा रेट अच्छा खासा बड़े टीमों पे भी, तो बचना है, ठीक है। अगर आ भी जा रहा है तो जैसे रेट अगर 90 पैसा है वहाँ बुक बनाइए, ये नहीं है कि 20-20 खाए वाला काम यहाँ पे चलेगा ही नहीं, बर्बाद हो जाएगा। केंसिंगटन ओवल अगर बात किया जाए तो इन सारे वेन्यू में सबसे हाई स्कोरिंग वेन्यू होने वाला, और IPL वर्ल्ड कप का फाइनल भी यहीं खेला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का सेशन आप यस करके चल सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इस वेन्यू पे अगर बात किया जाए जो हाई स्कोरिंग अगर मैं बोल रहा हूँ, तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट इनिंग में ही हाई स्कोर लग रहा है, और इतना ज़्यादा लग जाता है कि वो फिर आउट ऑफ रीच हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये भी पता चल रहा है कि इस साल T20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट बैट करने वाली टीम के ज़्यादा डोमिनेशन रहेंगे, ज़्यादा जीतने के चांसेस रहेंगे। अब देखिए नसाऊ स्टेडियम USA का एकदम आउट ऑफ स्क्रैप बनाया गया न्यूली स्टेडियम है, और इसका जो वेन्यू है, उसका जो पिच है, वो ड्रॉप इन पिच है, वो एडिलेड ओवल से लाया गया है। तो ये एक इन शॉर्ट USA का जो स्टेडियम है ये हाई स्कोरिंग वेन्यू होने वाला है, एडिलेड वाला, अगर आपको पता है बिग बैश मैच यहाँ पे हाई स्कोरिंग होता है। बाकी रेस दो जो USA का वेन्यू है पिच है, यहाँ पे सर्फेस थोड़ा सा एवरेज और डिफेंडिंग रहेगा, तो उसी हिसाब से आपको सेशन खेलना है। बाकी ब्रायन लारा और डैरन सैमी स्टेडियम का बात करें तो ये भी एवरेज स्कोरिंग वेन्यू है, और 50-50% का यहाँ पे पैसे का ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग वेन्यू बोल सकते हैं नॉकआउट स्टेजेस में, ठीक है। बाकी सेशन में आपको स्ट्रेटेजी तुरंत चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 6 ओवर और 10 ओवर पिट गया, आपने यहाँ पे सेशन यस यस किया और सेशन नॉट हो गया, तो जितने चांस है यस होने के उतने ही चांस हमेशा रहते हैं नॉट होने के। तो जितना जल्दी आप स्ट्रेटेजी बदलिएगा उतना ही फायदे में रहिएगा, क्योंकि आपका यस वर्क नहीं कर रहा है तो नॉट पे आइए, ये याद रखिएगा इस साल T20 वर्ल्ड कप में। अब देखिए सेशन अगर नॉट हो रहा है, विकेट जा रहा है, तो नॉट ही होगा, क्योंकि CPL में अगर स्लो सर्विस है तो 90-92 भी नहीं लगता था, याद रखना पड़ेगा आपको। और अगर सेशन यस हो रहा है तो आप मोमेंटम के साथ जाइए, इन शॉर्ट मोमेंटम पे ही रहना है, ठीक है।
रन अ बॉल बहुत बार देखने को मिलेगा, 60 बॉल में 62 रन, 60 बॉल में 58 रन, 2 विकेट। तो इस टाइप की जब भी आपको सिचुएशन दिख रहा है तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि बैक टू बैक बाउंड्रीज पे 2-3 चौका लगातार आ गया तो सेशन ऊपर जाते ही नोट करके रखना है, ठीक है। तो देखिए टॉप डर्टी बॉलर जो है इस साल वर्ल्ड कप का, जो जिसको टारगेट किया जाएगा हर टीम के द्वारा अपने मोमेंटम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैच फंसा ही रहेगा हमेशा स्लो सरफेस होने की वजह से, तो वो रहेंगे हार्दिक पांडे और शिवम दुबे इंडिया की तरफ से, कैमरून ग्रीन मार्स ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड की तरफ से रीस टोपली और स्वयं करण, न्यूजीलैंड की तरफ से टीम साउदी और जिमी नीसन। अगर ये टारगेट हो रहा है तो सेशन वो सेशन आपको यस करके चलना है। वेस्ट इंडीज की तरफ से समार जस और रोमारियो शेफर, पाकिस्तान से सदाफ खान, हारिस रॉफ, श्रीलंका से मधुशंकर, एंजिलो मैथ्यूज, एनडी नोकिया का आउट ऑफ फॉर्म बहुत डिवास्टेटिंग होने वाला है साउथ अफ्रीका के लिए, मार्को यानसन इधर से, अजमतुल्ला उमर जय, फरीद अहमद मलिक अफगानिस्तान से, तंजीम हसन साकिब और तनवीर इस्लाम यहाँ पे बांग्लादेश से, जॉर्ज डॉकलेट और बैरी मैकार्थी आयरलैंड से, और क्रिस ग्रिप्स और ब्रैंडन मैकमुलन आयरलैंड से। तो इसको आप स्कॉटलैंड से, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब टारगेट किए जाएंगे, यहाँ पे सेशन यस होने के चांसेस रहेंगे जब भी ये बॉलिंग करेंगे जोड़ी में। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन है मेरे भाई टेलीग्राम चैनल का, जाइए ज्वाइन करिए। अगर आपको काम करना है और फाड़ना है हाउस को, हम आपको प्रॉफिट क्या आबाद करके रख देंगे मेरे भाई, गारंटी है, जो जुड़ा है कभी लॉस में नहीं आया। बाकी 7428525767 नंबर याद कर लो, लाइफ चेंजिंग नंबर होने वाला। चलिए बबाई, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।